क्या सूरज कर रहा है धरती के विनाश की तैयारी? ये सवाल सुनने में जितना ज्यादा अजीब लग रहा है उतना ही ज्यादा सच भी है, क्योंकि आज के समय में सूरज की इस महाप्रकोप गर्मी को देखकर लग रहा है कि सच में कहीं सूरज इस हरी भरी धरती को, जहां सभी प्रकार के जीव निवास करते हैं, उसे जलाकर नष्ट कर देगा। तो क्या वाकई में ऐसा संभव है कि सूरज अपने ताप से इस धरती का विनाश कर देगा? तो इसका जवाब भी कुछ हद तक हाँ होता नजर आ रहा है, क्योंकि नेचर जियो साइंस द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार पृथ्वी के अंत की वजह कोई और नहीं बल्कि सूरज बन जाएगा। और जिस तरह अभी गर्मी पड़ रही है, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि सूरज हमें जलाकर राख कर देगा, क्योंकि अभी जितनी गर्मी सूरज दे रहा है उससे पता चलता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा जिससे सूरज और अधिक हीट वेव छोड़ने लगेगा और सारा वातावरण इसके हीट वेव के चपेट में आकर नष्ट हो जाएगा। इन्हीं सभी कारणों से मनुष्यों पर आने वाले इस खतरे को पहले से पता लगाने और उससे बचने के लिए नासा, इसरो और एलन मस्क की स्पेस एजेंसी सहित कई स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपने सैकड़ों उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर सूरज का तापमान लगातार बढ़ क्यों रहा है। नेचर जियो साइंस के वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य के इस भीषण गर्मी पर नियंत्रण नहीं हुआ तो पूरा वातावरण नष्ट होने लगेगा, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और सभी जीवित जीव सांस न ले पाने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की परतें तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगी और पूरी धरती जल में समा जाएगी। तब समुद्री जीवन को छोड़कर सभी जीवित चीजें पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य के नियंत्रण गर्मी के कारण दुनिया में आए इस बाढ़ का सारा पानी वाष्प के तौर पर उड़ जाएगा, जिससे समुद्री जीवन भी खत्म हो जाएगा और सारी पृथ्वी जल कर राख हो जाएगी। अभी तक मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया वो सभी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है और उनके द्वारा दुनिया में सूर्य के इस भीषण गर्मी को देखकर संभावना व्यक्त की गई, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, यह केवल एकमात्र कल्पना की गई है। आप लोग धरती पर जीवन के अंत को लेकर बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी, जिसमें ये बताया जाता कि कोई उल्का पिंड के टकराने से पूरी पृथ्वी का जीवन वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे आज से हजारों साल पहले डायनासोरों के राज में हुआ था, जिससे पूरे डायनासोर और उस समय पृथ्वी पर राज करने वाले सभी जीवों का अंत हो गया था। और ऐसी एक थ्योरी और भी है जिसमें बताया गया है कि दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियंस हमारी पृथ्वी पर आकर पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को नष्ट कर देंगे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आमतौर पर यदि आप लोगों से पूछेंगे कि पृथ्वी पर अधिक ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि पेड़ पौधे। तो हाँ, पेड़ पौधे ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पेड़ पौधे पृथ्वी के ऑक्सीजन का आधा हिस्सा भी उत्पन्न नहीं करते। यदि हम छोटे वनस्पतियों को भी शामिल करें तो सबसे अधिक 25% तक ऑक्सीजन मिलेगा।